विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। दुर्बुद्धि ने अपने पुत्र ज्ञानारी के हृदय में देवताओं के प्रति घृणा का बीज बोया, फिर उसका पुत्र भी ऐसा ही करेगा। गणेश से तो मैं बाद में निपट लूंगा, वैसे भी मुझे सभी देवताओं का अंत करना है, तो क्यों न मैं आप दोनों से ही आरंभ करूँ। मुझे ज्ञात है ज्ञानारी को कैसे पराजित करना है। मुझे तत्काल बताओ अनुज। भैया आवेशित प्रतीत होते हैं, मुझे इनके क्रोध को शांत करना होगा। मैं आपको मेरी योजना बताता हूँ, किंतु आप अकेले में ये क्या प्रशिक्षण ले रहे हैं? गणेश मैं कह रहा हूँ, अपना ये परिहास बंद करो और मुझे मेरा दंड लौटा दो। यदि आप अपना दंड चाहते हैं भैया, तो स्वयं क्यों नहीं ले लेते। लीजिए 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 लीजिए। उचित है फिर, यदि तुम ये क्रीड़ा करना ही चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं, किंतु यदि आहत हो गए तो मुझे दोष मत देना। क्या भैया आप बातें बहुत करते हैं, दंड तो लेकर दिखाइए। अच्छा तो अब पकड़ कर ही दिखाता हूं। हाँ गणेश, ये अच्छा दाव था, किंतु अब उत्तम, अति उत्तम। गणेश मैं तुम्हारे दंड के कौशल से अत्यंत प्रभावित हुआ, तुम में गति है, चपलता भी। तुम इतनी दक्षता से गतिशील होते हो जैसे जैसे मानो तुम्हारे लिए कितना सरल है। किंतु गणेश अगली बार बस इतना ध्यान रखना कि दंड को ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना ताकि तुम्हारा प्रतिद्वंदी उस पर अपनी पकड़ ना बना सके। समझ गया भैया समझ गया, किंतु आप ये बताइए, मेरी दक्षता और मेरे कौशल से आपका क्रोध समाप्त हुआ? गणेश तुम मेरे अनुज हो और साथ ही मेरे प्रथम पूज्य भी, और यदि मेरा प्रथम पूज्य मुझे कोई आदेश देगा तो मैं उसका पालन अवश्य करूंगा, किंतु तुम्हारा अग्रज होने के साथ साथ मैं एक योद्धा भी हूं गणेश, इसीलिए मुझे ये ज्ञात करने का अधिकार भी है कि तुम क्यों नहीं चाहते कि हम उस उद्दंड ज्ञानारी से युद्ध करें। क्योंकि भैया जब ज्ञानारी के पिता दुर्बुद्धि का प्राणांत हो रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था, मेरे बाद मेरा पुत्र तुमसे युद्ध करेगा, उसके पश्चात उसका पुत्र, ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। दुर्बुद्धि ने अपने पुत्र ज्ञानारी के हृदय में देवताओं के प्रति घृणा का बीज बोया, वो हमसे घृणा करता है, फिर उसका पुत्र भी ऐसा ही करेगा, और यही ऐसी घृणा की परंपरा पिता से पुत्र को प्रदान की जाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। यदि इसी प्रकार उसके पिता के पुत्र और उसके भी पुत्र से ऐसे ही युद्धरत रहे तो घृणा और ये युद्ध की श्रृंखला तो ऐसे ही स्थापित रहेगी। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश, किंतु असुरों और देवताओं के संघर्ष की परंपरा तो इतिहास के आरंभ से चली आ रही है, इसीलिए मुझे तुम्हारा आशय समझने में कठिनाई हो रही है। तुम कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, ये स्पष्ट तो करो। भैया आप उचित कहते हैं, अनेक सदियों से असुरों ने देवताओं के प्रति द्वेष का ही भाव रखा है, किंतु इस परंपरा में मूल परिवर्तन लाने का, असुरों को ये समझाने का कि देवता उनके शत्रु नहीं, इसका अवसर है हमारे पास।
हम उनकी घृणा को स्नेह में परिवर्तित कर सकते हैं भैया, और इसका आरंभ हम ज्ञानारी के अल्पायु पुत्र सुबोध से कर सकते हैं। असुरों से व्याप्त घृणा स्नेह में परिवर्तित कर उन्हें निर्मल बनाने के कार्य का आरंभ हम ज्ञानारी के पुत्र सुबोध से करेंगे। ज्ञानारी ने अपने पुत्र में देवताओं के प्रति द्वेष प्रचुर मात्रा में भर दिया है, किंतु यदि हम चाहें तो हम बालक सुबोध को उसकी आसुरी प्रवृत्ति से रिक्त कर उसे सात्विक बना सकते हैं, और यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो फिर देवता और असुर शांति के साथ विचरण कर सकेंगे। भैया गणेश, शांति से मुझे भी कोई विरोध नहीं है, किंतु किसी असुर को उसकी आसुरी प्रवृत्ति से दूर ले जाना, उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना बड़ा ही विकट कार्य है, और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कोई उपाय भी है तुम्हारे पास? हाँ हाँ है ना, किंतु उसका उपाय तो आप हैं भैया। ज्ञानारी के पुत्र बालक सुबोध को भी हिंसा करने में आनंद आने लगा है। किंतु भैया ज्ञानारी पुत्र असुर बालक सुबोध में अभी भी बाल्य सुलभ सरलता है, जिसे जिस दिशा में ढाला जाए वो ढलता चला जाएगा। इसलिए भैया यदि उसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो तो उसे घृणा के इस बीज को उसके भीतर पनपने से रोका जा सकता है। और ये हम कैसे करेंगे गणेश? हम नहीं, ये आप करेंगे भैया, आप करेंगे उसका मार्गदर्शन। मैंने तुम्हें रुकने की अनुमति दी क्या? मुझे पाठ सिखाने चले थे असुर युवराज सुबोध को। ये बनेंगे वो भी मेरे गुरु। भैया आप एक उत्कृष्ट गुरु हैं। आप कितने धैर्यवान हैं। अभी कुछ ही समय पूर्व हम आपस में ही उलझ रहे थे, किंतु मुझसे क्रोधित अथवा मेरे साथ स्पर्धा में बहने के स्थान पर आप मेरा ही मार्गदर्शन कर मुझे विजय की युक्ति समझा रहे थे। हाँ गणेश, ये अच्छा दाव था। इसी प्रकार आप सुबोध को ज्ञान देंगे भैया, उसे ईश्वर का परिचय देंगे, उसे आदिशक्ति महादेव ब्रह्मदेव एवं श्री हरि नारायण सबकी महिमा का बोध कराएंगे। गणेश तुम चाहते हो कि मैं बालक सुबोध को शिक्षा प्रदान करूं, किंतु उसके लिए तो मुझे उसके साथ समय व्यतीत करना होगा ना, और ये संभव कैसे होगा? वो एक असुर राजकुमार है, उसकी माता अपने पुत्र को किसी के साथ ऐसे कहाँ छोड़ेगी? अब युक्ति का विचार तो आप ही कीजिए भैया, मैं तो चला भोजन करने। उचित है अनुज, यदि इसमें देवताओं और असुरों के मध्य व्याप्त शत्रुता को मिटाया जा सकता है तो मैं सुबोध का मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। ये गिलहरी यहाँ शांति से बैठ के अपना भोजन कर रही है, ये तो अनुचित है। अभी ना इसका अंत कर देता हूँ। अरे रुको, कहाँ भाग रही हो? रुको, अरे रुको तो।
कहाँ भाग रही हो? अरे अभी तुम्हें पकड़कर तुम्हारे रक्त बहाने का आनंद लूंगा। रुको, अरे भाग गई। उस दुष्ट गिलहरी का पीछा करते करते ये मैं कहाँ पहुंच गया? ये वन कितना घना है, मुझे तो बहुत भय लग रहा है। मुझे लौटना चाहिए किंतु किस दिशा में जाऊं? यहाँ से अथवा वहाँ से कहाँ जाऊँ? कैसे जाऊँ? किस दिशा में लौटूँ? माँ! महाकाय वंचक, इसका सामना मैं कैसे करूंगा? अभी उचित समय है। इतना बल, वो भी एक साधारण गज में? ओह, तो ये तुम हो। अति उत्तम युक्ति है गणेश। भैया, गणेश तुम यहाँ? ओह भैया, मुझे भली भांति ज्ञात था आप सुबोध तक पहुँचने की युक्ति नहीं सोच सकेंगे। देखिए ना, आप तो अभी भी यहीं खड़े हैं, इसलिए मैं स्वयं ही यहाँ पहुँच गया ये सोचकर कि क्यों ना आपकी सहायता ही कर दूं। अच्छा, वहाँ कैलाश में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भैया युक्ति आप सोचिए, मैं तो चला भोजन करने। अब यहाँ आए बिना तुमसे रहा भी नहीं गया ना। क्या करूं भैया, अत्यंत उदार और कोमल हृदय है जो मेरा, इसीलिए आपकी कठिनाई को सरल बनाने चला आया। अच्छा, आप सचेत रहिए और आगे देखिए। क्यों, ऐसा क्या करने जा रहे हो तुम? क्या करना है ये तो उचित समय आने पर स्वतः ही आपको ज्ञात हो जाएगा भैया। बड़ी शक्ति आ गई है ना तुम में। हाँ, माँ के हाथों के बने मोदक जो खाकर आए हो, है ना? किंतु तब भी मैं तुम्हारा अग्रज ही हूँ। Yeah!
भैया, आपको भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही था ना, तो अब वो मुझे भी करना ही होगा। पुत्र सुबोध, आप सुरक्षित तो है ना? माँ, गज को शांत कर दिया इन्होंने। गणेश, अब इस क्रीड़ा का अंत भी कर देते हैं। हाँ भैया। कितना परिश्रम करा दिया मुझे। मुझे कैलाश शीघ्र पहुंचकर अपना उदर पुनः भरना होगा। मैंने पूछा कौन हो तुम? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न तो वो है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि ये बालक कौन है और इसके भीतर इतना अहंकार और ऐसी घृणा का वास क्यों है? ये जैसा है ऐसा किसने बनाया है इसे? ऋषिवर, मैं असुर महारानी दकिनी हूँ और ये मेरा पुत्र असुर महाराज ज्ञानारी का पुत्र है। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, असुर महारानी देवी दकिनी। आपने मुझे अपना पद और समाज में अपना स्थान बताया, किंतु मेरा प्रश्न तो ये था कि ये बालक कैसे गुण धारण कर रहा है, इसका व्यक्तित्व किस दिशा में जा रहा है? मेरे असुर युवराज सुबोध के व्यक्तित्व पर प्रश्न करोगे तुम? इतना दुस्साहस तुम्हारा? जब दो बड़े गंभीरता से परस्पर संवाद कर रहे हो तो बालकों को मध्य में बोलने की धृष्टता कदापि नहीं करनी चाहिए। समझ गए ना बालक? आश्चर्य, किसी ने प्रथम बार अपने कथनों से मेरे उदंड बालक को प्रभावित कर उसे शांत किया है। कौन है ये ऋषि? ऋषिवर, मेरे पुत्र सुबोध को हमारे संवाद में उसके इस असमय हस्तक्षेप के लिए क्षमा करें। आपने उचित समय पर इसकी रक्षा की, जिसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। आप मुझे अपना परिचय देने की कृपा कीजिए ऋषिवर। बताइए मुझे, कौन है आप? मैं ऋषि स्कंद हूं देवी। अपना तप संपन्न कर मैं अपने गुरुकुल के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहा हूं। ऋषिवर, तब तो आपकी चिंता का निवारण हो गया। आप अपना गुरुकुल यहीं स्थापित कर लीजिए। इसी प्रकार मेरे पुत्र सुबोध को आपसे शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। माँ, पूर्व में ही मेरे दो दो गुरु हैं, तो मुझे किसी अन्य गुरु की क्या आवश्यकता?
और वैसे भी ऐसा क्या है जो कोई गुरु मुझे सिखा सकता है? मुझे तो सब ज्ञात है। बालक सुबोध, यदि तुमने अपने गुरुओं के सिखाए पाठ को आत्मसात किया होता तो तुम्हें अवश्य ज्ञात होता कि कोई शिष्य अपने गुरु का चुनाव नहीं करता, अपितु यह तो शिष्य का सौभाग्य होता है कि उसका उचित गुरु उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करता है। देवी, आपका पुत्र मुझसे शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं है और यह स्थान मेरे गुरुकुल के लिए उचित नहीं है, इसीलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। संपूर्ण देव और असुरों का भविष्य अब आपके ही हाथ में है भैया। आशा है इस बार आप बिना युद्ध किए ही विजयी होंगे। पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूँ जो तुम्हारे भविष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती है। अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए अपने अहंकार का परित्याग कर दो और सम्मान सहित ऋषिवर को रोक लो। आवश्यकता तो नहीं, किंतु माँ मुझसे निवेदन कर रही है तो रोक लेता हूँ इन्हें। ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए और कृपा कर मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। ज्ञानहारी, तुम यहां क्यों आए हो? ब्रह्मदेव, आज प्रश्न आप नहीं मैं पूछूंगा। बताइए मुझे, कहां है गणेश? कहां छिपा है वो? ये तो बड़ी उत्तम बात है ज्ञानहारी। तुम्हारा गणेश को ढूंढना तो सर्वथा उचित है। गणेश को ढूंढना तो ईश्वर को ढूंढने के समान है और ईश्वर को ढूंढना तो प्रत्येक प्राणी का परम लक्ष्य होना चाहिए। प्रवचन नहीं ब्रह्मदेव, उत्तर चाहिए मुझे। मैं किसी ईश्वर को ढूंढने नहीं निकला हूँ, गणेश चाहिए मुझे। बताइए कहाँ स्थित है वो? आइए आइए ऋषिवर, गुरुकुल में आपका स्वागत है। ऋषि स्कंद, अब से आपको यहीं इसी गुरुकुल में स्थित रहना है। देवी, मुझे वन में ज्ञात हुआ था कि बालक सुबोध के दो गुरु पूर्व से ही हैं। उन दोनों का तो कार्य यहाँ से समाप्त हो गया नवीन गुरुदेव। अब तक तो वो लोग अपनी पोटली बांधकर यहाँ से प्रस्थान भी कर गए होंगे। महारानी दकिनी, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रणाम। ऋषि हरित, ऋषि अद्वैत, ये हैं ऋषि स्कंद, जिन्होंने सुबोध को शिक्षा देने का मेरा निवेदन स्वीकार किया है। ऋषिवर, आप दोनों को कहीं प्रस्थान करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों यहीं रहकर बालक सुबोध की शिक्षा में
मेरा हाथ बटा सकते हैं। ऋषि स्कंद, युवराज सुबोध तो अत्यंत ही बुद्धिमान और विवेकी बालक हैं। बुद्धिमान तो मैं हूँ, दो दो गुरुओं को एक साथ यहाँ से प्रस्थान करने पर विवश जो कर रहा हूँ। किंतु कदाचित हम ही उन्हें शिक्षा देने में अक्षम हैं। ऐसे किसी व्यक्ति ने इस धरा पर जन्म ही नहीं लिया जो युवराज सुबोध का गुरु बन सके। जैसे मैं इन गुरुओं को यहाँ से भगा रहा हूँ, शीघ्र ही ये नवीन गुरु भी भागते दिखाई देंगे। सुबोध, ऋषि हरित और ऋषि अद्वैत के चरण स्पर्श कर उनसे आशीष प्राप्त करो। मैं चरण स्पर्श करूं इनका? प्रिय, क्या तुम्हें यहां कहीं गणेश दिखाई दे रहा है? नहीं नाथ, गणेश तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लो, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। गणेश तो यहां ब्रह्मलोक में कहीं नहीं है। बस! मुझे मूर्ख समझा है क्या? गणेश से तो मैं बाद में निपट लूंगा, वैसे भी मुझे सभी देवताओं का अंत करना है। तो क्यों न मैं आप दोनों से ही आरंभ करूं? क्यों न मैं आप दोनों से ही आरंभ करूं? अरे वाह, इतना भीषण आतंक है मेरा कि सभी भयाक्रांत हो रहे हैं मुझसे। वहां कैलाश में भी सभी मेरे भय से कहीं भाग कर छुप गए, और यहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती मुझसे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहीं अदृश्य हो गए। कितने भीरू हैं ये देवता, मुझे देखकर भाग कर छिप रहे हैं। ये तुम्हारे गुरु रहे हैं, इन्होंने तुम्हें शिक्षा प्रदान की है, और अब तुम एक नवीन गुरु के साथ अपनी शिक्षा की नवीन यात्रा प्रारंभ कर रहे हो। इसीलिए अपने गुरुओं का आशीष प्राप्त करना तो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। आपको ज्ञात भी है आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे, असुर युवराज सुबोध को इनके चरण स्पर्श करने के लिए कह रहे हैं? कदापि नहीं। पुत्र, मुझे आशा है तुम वही करोगे जो उचित है। कदाचित माँ मेरे इस व्यवहार से असंतुष्ट प्रतीत हो रही है, किंतु एक साधारण से ब्राह्मण के चरण मैं असुर युवराज होकर भला कैसे स्पर्श कर सकता हूँ? पुत्र गणेश, तुम्हारे सुझाव पर हम ब्रह्मलोक से अदृश्य होकर यहाँ आ गए। पुत्र गणेश, ऐसे कितने समय के लिए अदृश्य रहेंगे हम? ज्ञानारी तो तुम्हें सर्वत्र ढूंढ रहा है। बुआ जी, यदि मैं चाहूँ तो अभी मैं ज्ञानारी का वध कर सकता हूँ, किंतु उससे क्या लाभ होगा? ज्ञानारी के वध से ज्ञानारी का पुत्र सुबोध देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित होगा, हम पर आक्रमण करने आएगा, और ये परस्पर घृणा, शत्रुता, रक्तपात की श्रृंखला अनंत काल तक निरंतर चलती रहेगी। घृणा से घृणा का अंत नहीं हो सकता, वो मात्र प्रेम से हो सकता है, स्नेह से ही संभव है ये। इस घृणा को समूल नष्ट कर देने की हमारी योजना क्रियान्वित हो चुकी है, और मुझे ज्ञात है भैया उसे सफल बनाने हेतु पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। घृणा के बीज को नष्ट कर इस भावना को अंकुरित नहीं होने देंगे वो, और उसके स्थान पर
ज्ञानारी के पुत्र सुबोध के हृदय में प्रेम और भक्ति का भाव भर देंगे। गुणी गुणवतां श्रेष्ठो गुरुणां गुरुरं ययः जेता जयन्तो जयदो जीवो नन्तो जयावहः आङ्गीरसोध्वरा सत्तो विविक्तोध्वरकृत्परः वाचस्पतिवशीवस्य विचक्षणः चित्तशुद्धिकर श्रीमान् चैत्रश्चित्रशिखण्डिजः बृहद्रथो बृहद्भानुर्बृहस्पतिरभीष्टदः आयुष्मान भव पुत्र। सम्यार्थ रहो, संपन्न रहो, समृद्ध रहो। ये अचानक कैसे विचित्र सुख का आभास हुआ मुझे। इन गुरुओं के शब्दों ने जैसे मेरे हृदय को शांत कर दिया। परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए हमें योजना बनाकर ही कार्य करना चाहिए।